दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार का जो भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है यानी कि रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने चार पदों पर यानी कि चार पोस्ट पर बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। जी हाँ, सबसे पहला तो अमीन के पदों के लिए, कलर्क के पदों के लिए और असिस्टेंट के पदों के लिए, कानूनगों के पद के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि चारों में से किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जो है इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें टोटल पोस्ट जो है 10,101 है। लेकिन इन 10,101 में उन चार पोस्ट को बांटा गया है, किस पोस्ट के लिए कितना सीट खाली है, ठीक है, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितना सीट अवेलेबल है वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ इसका ऑनलाइन कब से होगा, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, ये पूरा डिटेल हम जानेंगे बिल्कुल बारीकी से। वीडियो को पूरा देखिए। ये जो है एक ऐसा जॉब है जहां पर आपको बिल्कुल नो एग्जाम, ठीक है, नो एग्जाम यानी कि बिना एग्जाम, विदाउट एग्जाम जो है आप यहां पर जॉब ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स 21/10/2022 से इसका अप्लाई शुरू होगा और 16/11/2022 को इसका जो है लास्ट डेट है। और एग्जाम का डेट जो है अभी कोई एग्जाम का डेट नहीं, क्योंकि एग्जाम ही नहीं होगा तो डेट कैसे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फी डिटेल्स की बात की जाए तो देखिए बिल्कुल भी फ्री है, चाहे आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो या फिर एससी एसटी या फिर जो भी हो, बिल्कुल भी फ्री है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट एज ऑन 1/1/2022। देखिए यानी कि आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कानूनगों की अगर हम बात करें, अमीन एंड कानूनगों की, ठीक है, एंड असिस्टेंट एंड लिपिक दो अलग जो है, दोनों को एक अलग जगह रखा गया है और अमीन कानूनगों को अलग जगह रखा गया है, ठीक है, एक साथ। तो देखिए मिनिमम एज फॉर जनरल यानी मेल, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो है जो अमीन कानूनगों के पोस्ट के लिए 18 से लेकर के 37 साल होना चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट या लिपिक में भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 से लेकर के 37 के बीच होना चाहिए। उसी तरह से मैक्सिमम एज फॉर जनरल फीमेल, तो देखिए मैक्सिमम एज जो है जनरल के लिए रखा गया है 18 से 40 वर्ष और असिस्टेंट एंड लिपिक के लिए रखा गया है 20 से 40 वर्ष। उसी तरह से मैक्सिमम एज फॉर बीसी एंड ईबीसी अमीन और कानूनगों के लिए 18 से 40 वर्ष रखा गया है और असिस्टेंट एंड लिपिक के लिए 21 से 40 वर्ष रखा गया है। उसी तरह से मैक्सिमम एज फॉर एससी और एसटी, तो देखिए अमीन और कानूनगों के लिए 18 से 42 वर्ष और असिस्टेंट एंड लिपिक के लिए 21 से 42 वर्ष। तो इस तरह से ये कुछ जो है एज लिमिट रखा गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए सबसे पहला पद है हमारा लिपिक यानी कलर्क, इसमें 744 सीट है यानी पोस्ट है। उसके बाद स्नातक पास ग्रेजुएशन, ये आपका क्वालिफिकेशन है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप एक लिपिक के लिए जो है ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्नातक पास करें या फिर ग्रेजुएशन पास करें। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है वो है विशेष सर्वेक्षण कानूनगों के लिए, इसमें देखिए 758 सीटें हैं और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस टू जो है यानी दो साल का जो है कार्य अनुभव, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस टू ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप सर्वेक्षण कानूनगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट है हमारा विशेष सर्वेक्षण अमीन, इसमें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 8,244 पोस्ट है, पद है, सीट है और इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद जो अंतिम का पोस्ट है हम लोगों का विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 350 पद हैं और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और दो साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इस तरह से टोटल 10,001 सीटें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर इन सीटों को भी कैटेगराइज जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कैटेगराइज जो है कैटेगरी वाइज इसको बांटा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पोस्ट ये जितने भी हैं, लिपिक, अमीन, कानूनगों, सहायक, ये पोस्ट हैं और यहाँ पर ये जो दिया गया है सामने सामने ये उनके लिए सीटें दी गई है, ठीक है। जैसे कि ये लिपिक है तो लिपिक अगर जनरल कैटेगरी का है तो उनके लिए 313 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 132 सीटें हैं, सिर्फ ये लिपिक के लिए है। तो उसी तरह से इस टेबल पर आप देख सकते हैं कि जो है आपके लिए कितने पद यहाँ पर दी गई है, जो है कितनी जो है वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए अब आगे चलते हैं और हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है नो एग्जाम मेरिट बेसिस सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला है, ये मेरिट के बेसिस पर होगा, मेरिट बेसिस सिलेक्शन के अनुसार, यानी कि एक मेरिट के आधार पर होगा, मेरिट रिलीज किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।